just over here is Bukit Bintang. I'll show you around. See on the front this particular, and over here you can see multiple brands. जी ऑक्सीजन की जगह आप धुआं ले रहे हो. यहाँ पर ना कोई स्मोक नहीं करता, मतलब नो वन स्मोक्स. We don't even smoke ever. Neither do we. But यहाँ पर वो स्मोक करता ही नहीं है. मतलब anyone who wants to smoke will smoke vape. Vape. Yes. यहाँ पर हर जगह vape मिलता है. Isn't it? Pavilion Mall on the right. यहाँ से एक जैसी है. जो थाईलैंड में अलग है, श्रीलंका में अलग है, दुबई में अलग है, यहाँ पर एक अलग तरह की वो है. बट यहाँ की फ्रेगनेंस इज लाइक इट्स नाइस. यहाँ की थाईलैंड में थोड़ी पंजन रहती है. हाँ, जैसे लाइक रॉटन फिश जैसी. There's this over here is a cafe. Such a wonderful view. Damascus pe aata wahi khayenge. Guys, agar aap log like shawarma and biryani, you guys must visit this place. मैं आपको ना वो दिखाता हूँ. यहाँ पर actually every time कितनी line लगी रहती है order करने के लिए. मतलब people actually wait for half an hour, 45 minutes, an hour. They keep on standing in the line, in the queue. I'll show you. ये सारे लोग वेट कर रहे हैं और जगह ये है. आप लोगों को दिखाई दे रहा है लाइन कितनी बड़ी है. और ये this place is in Bukit Bintang. Right under the guys, ये जगह बहुत कन्वीनियंटली लोकेटेड है. आप लोग यहाँ पर जब मलेशिया आओगे तो कोलमपुर आओगे, प्लीज़ यहाँ पर आना और खाना, बिकॉज दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग. मतलब एंड वी गाइस हार्डली गो टू एनी प्लेस सेकेंड टाइम. या दिस इज द वन वे यू कैन कम लाइक एवरी ऑल्टरनेटिव डे इफ यू डोंट वांट टू कम. When you're here in Kuala to eat good shawarma and biryani, so this is the place, guys, for you. Highly recommended. People are standing in the queue to order, and they actually wait very patiently for their turns. So guys, yeah, Damascus for biryani and shawarma. Guys, जब भी आप लोग Damascus आओगे, I'll show you what exactly is happening, because this is like really amazing, awesome. Okay, what is up? So this is creamy chicken shawarma with rice, and this is chicken shawarma with hummus and pita bread. So let's find out how it is. It is actually pretty good. Damascus, Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. I'm unboxing this pita bread. That was quick, bro. The best part of this is like this thing. Yeah, you can just press the bell and you can call them for order for any, if you need anything. Yeah. One of the best places to eat in Kuala Lumpur, Damascus. Guys, ये सबसे बड़ी स्ट्रीट फूड मार्केट है पूरे कुआला लंपुर में. इसका नाम है जलान अलोर. सो अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स और कैफेज है और यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको. मतलब व्हाट एवर यू वांट टू ईट यू कैन गेट इट हियर. सो दिस प्लेस इज ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड अमॉन्ग एवरी अदर प्लेस. अभी आपको यहाँ पर कम क्राउड दिखाई दे रहा है, बट जैसे आप रात को आओगे 12 बजे के बाद या फिर 1 बजे तक, 2-2:30 बजे तक खुला रहता है. तो यहाँ पर बिल्कुल भरा होता है. जैसे बैंकॉक में खाओ सान रोड है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट. सो आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो. इनफैक्ट आप इफ़ यू आर कमिंग विद योर फ्रेंड्स यू कैन कम हेयर एंड ईट. आई मीन यू कैन कम हेयर एटलीस्ट वंस, ट्राई ज़रूर करना आप लोग. और आप व्यू देखो पूरी मार्केट का, दोनों तरफ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स शुरू हो गए. रात को ये लोग ना इसको बंद कर देते हैं स्ट्रीट को, और ये सब अपने ऑफिसिंग इक्विपमेंट्स इसको बाहर लगा देते हैं. सो वंडरफुल. इट इज़ अ वेरी लाइवली प्लेस. और यहाँ पर ना लाइव म्यूज़िक भी चलता रहता है. मैं आपको अभी दिखाता हूँ. यहाँ पर लाइव म्यूज़िक चलता है एवरी नाइट. आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बट हाँ आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे, स्ट्रीट फूड मिलेगा. Whatever you want to have, you'll get it here. और सब जगह खाना बहुत अच्छा है. मतलब हर रेस्टोरेंट और कैफे का खाना बहुत अच्छा है. इसको देखो यहाँ पर ये प्ले कर रहा है. और यहाँ पर ऐसे लोग जो टैलेंटेड होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो प्ले करते हैं और वो आपसे टिप एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न. So guys, this is Jalan Alor for you. You can get fresh fruit, you can get fresh fish, fresh chicken. Whatever you want to have, you'll get it here. जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी यहाँ पर सैलड्स वगैरह, वेजीज वगैरह बहुत ही अमेजिंग है. एंड दे हैव ऑल द क्यूजीन्स लाइक चाइनीज क्यूजीन, वियतनामी क्यूजीन्स ओवर देयर. सो मैनी यू कैन नेम इट एंड यू कैन हैव इट. Guys, again, the name of the street is Jalan Alor. The 7-Eleven 24/7 होते हैं ना, वैसे यहाँ पर KK भी है. Apart from 7-Eleven यहाँ पर KK भी है. Departmental stores which are open 24/7. So आप लोग यहाँ से भी कुछ भी ले सकते हैं. Beers वगैरह भी मिलती है. मतलब for the guys who drink. Guys देखो ये रेस्टोरेंट भरा हुआ है. टाइगर है यहाँ पर सबसे फेमस है. मतलब फेमस है. ये टाइगर बहुत बड़ा है. मतलब ये आगे तक फैला हुआ है. देखो. So you guys can come here and eat definitely. Fruits मिलेंगे आपको यहाँ पर. Plus देखो ये यहाँ पर आपको ये मिलेगा, शुगर जूस मिलेगा. ये इन्होंने ना जूस निकालने के बाद बॉटल्स में पैक करके बिल्कुल चिल्ड किया हुआ है इनको. गाइस देखो मैं आपको बता रहा था ना कि जैसे वो जो आर्टिस्ट होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, वो आते हैं, दे एक्सपेक्ट टिप्स इन रिटर्न. बुकिट बिंटांग जो बार रोड है उसके बिल्कुल साइड वाला पैरेलल रोड है जलान अलोर. एंड ऑफ द स्ट्रीट इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग स्ट्रीट, बट या आपको ऐसे जैसे आपको बता रहा था ये बैंड वगैरह एक्सपेक्ट करते हैं different bars there. They keep on playing, especially after 10:30 p.m. at night, so that people who are coming here and having a good time roaming, eating food, they can give them tip and they can make money. आपको यहाँ पर authentic Malaysian food से लेकर authentic Thai food, Vietnamese food, Japanese food, आपको सब मिलेगा यहाँ पर. That is the end of the street, yeah. See you guys.